अभी एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उजैफा, रुहामा और इल्मा जो थे वो बहुत देर से पढ़ाई करके बैठे हैं, अभी फ्री हुए, तो मैंने सोचा ये वाला गेम खेलता हूँ। तो आर यू गाइज रेडी? रेडी? जो सबसे ज्यादा आंसर देगा उसको मेरी तरफ से गिफ्ट मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये वीडियो जो शूट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं लिखता जाऊंगा कि किसके कितने आंसर करेक्टली हो रहे हैं, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर वन, नेम समथिंग यू कैन पुट ऑन योर हेयर। Name any button you can find on a TV remote. Shut. Correct. Bag. Tell me anything which help you to sleep. Pillow. Rama. Name anything you can keep in your pocket. तुमने क्या बोला? हाँ करेक्ट, रामा। नहीं रामा, रामा करेक्ट। मुझे उजैफा क्या हो गया तुम्हें? नहीं तुम्हें तो देखो दब नहीं दिए, तुम्हें धीरे धीरे बोलना है, लेकिन जल्दी जल्दी से बोलना, लेकिन धीरे बोलना है, ठीक है? अगला अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। व्हाट यू कैन सी इन जू बिसाइड्स एनिमल? बिसाइड्स एनिमल, बिसाइड्स एनिमल, एनिमल के अलावा और क्या देख सकते हो? क्रो एनिमल है ये सब? नो, बेंच। करेक्ट आंसर। ओके, टेल मी एनी वर्ड राइम विद डॉग। टेल मी एनी वर्ड राइमिंग विद डॉग। डॉग, फॉग। करेक्ट आंसर। नेम एनी एनिमल स्टार्ट विद द लेटर ऑफ आर। करेक्ट। नेम एनीथिंग पुलिस ऑफिसर कैरीज। तो बहुत जल्दी से जवाब दे रही इल्मा। वो देखो आगे बैठी एकदम मेरे साथ जैसे। तो अभी इंग्लिश में बहुत सारे हो गए, अभी कुछ हिंदी में पूछते हैं, ठीक है? चलो भाई आ जाओ। कोई ऐसी जगह का नाम बताओ जहां आप सोना नहीं चाहते। छत पे। किचन। करेक्ट आंसर। किचन, तो छत पे तो सभी सोते हैं। ठीक है, साउंड से राइम करता हुआ कोई वर्ड बताओ। साउंड से राइम करता हुआ कोई वर्ड। राउंड। करेक्ट आंसर। कोई भी ऐसी सब्जी का नाम जो सैलेड में यूज होती हो। खीरा, 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 मैंने बोल दिया खीरा। उसने कैरेट, पहले कैरेट बोल दिया। हैरी पॉटर के कोई भी कैरेक्टर का नाम बताओ एक्सेप्ट हैरी पॉटर। लेकिन पहले इसने बोला है। हाँ, ठीक है चलो, ठीक है। एक्सीडेंट का कोई भी एक रीजन बताओ। नहीं, एक्सीडेंट होने का रीजन कार की हेडलाइट ऑन ना होना। हाँ तो पहले बताते ना, अभी तो रुहामा ने जवाब दे दिया सही। ठीक है, कोई ऐसी मूवी का नाम बताओ जिसने फिल्मफेयर अवार्ड जीता हो। मिमी। करेक्ट जवाब। अंधाधुन। कोई ऐसे फिल्म का नाम बताओ जिसमें खेल दिखाया हो, स्पोर्ट्स मूवी लाइक। चलान। लगान से पहले इसने चलान बोल दिया, या शायद मुझे लग रहा है उजैफा ने पहले बोला। हाँ देख लेंगे वीडियो में। कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जब आप आपस अपने आप से बात करते हो। हाँ ठीक है, उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसे? क्वेश्चन ये था कि कब, वो कौन सी ऐसी वक्त होता है जब आप अपने आप से बात करते हो। नहीं, वो उसने सही जवाब दे दिया पहले, जब वो सोकर उठता है वो कुछ आयतें पढ़ता है। ठीक है, कोई एक रीजन बताओ एंजाइटी होने का। पहले बोल दिया उसने डिप्रेशन। कोई ऐसा वर्ड बताओ जो लोग बच्चों को बोलते हैं। और ये पीछे बैठा बाबू कुछ बोल ही नहीं रहा। कोई ऐसी चीज का नाम बताओ जो होटल से चुराना बहुत मुश्किल है। होटल रूम से चुराना बहुत मुश्किल है। करेक्ट, बेडशीट तो आसान है, सब चुराते हैं। अच्छा हम चुराई, हमने कभी चुराई यार? हाँ लैंप टफ है चुराना। ज-
जब आदमी जब कोई भी बोर होता है तो क्या करता है? करेक्ट जवाब। कोई ऐसा काम बताओ जो आदमी रोज करता हो। लेकिन तो तुमको पहले बोलना चाहिए था। फिर तुम नहीं नहीं सब करते हैं। नहीं बाबा पूरा इस पर फिल्म बन गई। टॉयलेट एक फ्रेम बता। नहीं हो गया हो गया उसका जवाब हो गया। अच्छा चलो आंसर तो दूसरे। अब अगला क्वेश्चन का। कोई ऐसे प्लेस का नाम बताओ जहाँ रात में लोग डरते हैं। कोई ऐसी चीज बताओ जो आदमी खरीदने से पहले टेस्ट करता हो। कपड़े चप्पल ऐसे मार मार की चट्टी करते हैं। चप्पल कपड़े मोबाइल तो सील पैक आता है। सब्जियां नहीं कपड़े। अरे टेस्ट मतलब कि उसको यूज करते हैं वो लोग। तो कपड़े सब ट्रायल में लेके ट्राई करते हैं। अरे उसको टेस्टिंग नहीं बोलते हैं। कार सही जवाब है। टेस्टिंग जैसे कि तुम्हारा मेकअप हो गया तुम अपने हाथ पे लगा के टेस्ट करती हो उसको। टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब उसका टेस्ट लेती हो। The scores after first round was Zafa 9, Ruhama 9 and Ilma 5. Round 2. और अभी हम खेल रहे हैं अल्फाबेटिकली आपको सेलिब्रिटीज का नाम बताना है। वो कोई भी हो सकता है या तो कोई एथलीट हो कोई सिंगर हो कोई डायरेक्टर हो। अच्छा, मतलब एनीवन साइंटिस्ट भी हो सकता है लेकिन फेमस होना चाहिए। और बहुत ही खतरनाक अंग्रेज का नाम मत ले लेना जो किसी को जो कोई जानता ना हो। ठीक है मतलब ऐसा नोन आदमी चाहिए। ये नहीं कि कोई फुटबॉल टीम के किसी प्लेयर का नाम बता दे। ठीक है तो अल्फाबेटिकली स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले ए। उसने बोल दिया पहले। बी बाले। आपने बोल दिया कुछ। तुमने क्या बोला? बाले। ये कौन है? बॉबी देओल फुटबॉलर। बस यही तो कह रहे हैं। यही तो नहीं बोलना है। बाले बॉबी देओल। बॉबी देओल मैंने पहले बोला। सी सी से कैसी मेरो। अरे यार तुम ना खेलो ये गेम। क्रिस टायसन। हाँ क्रिस टायसन। कौन है ये? मिस्टर बीस्ट का बॉय। ये इतने फेमस लोग नहीं है। यार ऐसे सेलिब्रिटीज का नाम बताओ जिसको इंडिया में लोग जानते हो। चमक चलू। और वो तो फुटबॉल टीम के नाम बता रहे हैं सारे। वो नहीं जाने हैं। रोनाल्डो को लोग जानते हैं इंडिया में। मेसी को जानते हैं। अरे अभी एम्बाप्पे को जाने लगे हैं बस। और किसी को नहीं जानता कोई। डी से बताओ। डियागो मैराडोना। नहीं अभी वो बोल दिया जो डियागो मैराडोना फेमस है। ई से बताओ। ठीक है तुम यार क्या हो गया तुम्हें? ये फुटबॉल की टीम है बहुत फेमस है। नहीं फेमस तुम्हारे लिए है बाकी सबके लिए नहीं है। तो ई कम्प्लीट हो गया था। उसके बीच में ज़ैफ़ा को कहीं जाना पड़ा उसका कॉल आ गया था। तो ये क्या मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है। वापस आ गया वो तो अब फिर से शुरू करते। तो ई तक हो चुका था। अब नाउ एफ। लेकिन ये गलत है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या आपने किधर गेम रोका तो वही होगा। चलो जी गौतम गंभीर। ठीक है करेक्ट जवाब। एच। आई है इवन। बट व्हाई आर यू शाउटिंग? इतना तेज चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? चलो चलो जे जावेद अख्तर। सोच क्या है बेचारा पीछे। हाय मुझे आंसर के प्रज्वल। एल लियोनेल मेसी। करेक्ट जवाब। एम मिस बाली। जल्दी बताओ। मनीषा। मनीषा मैं नहीं जानती। पहले उसने बोला मनीषा पता नहीं कौन है ये। अरे तो आप भी तो आए हो। मिस बाली नहीं मनीषा कौन है? मनीषा रानी पूरा नाम लो ना उसका। मनीषा रानी नाम है तो। मनीषा कोराला भी है। एन नेमार जूनियर। ये कौन है? नेमर जूनियर। ये फुटबॉलर ही के पीछे क्यों पड़ा है? ठीक है लेकिन भैया सेलिब्रिटीज के नाम बताओ। एक ही तुम कैटेगरी के पीछे मत भागो। अरे भैया एक्टर के एक कैटेगरी के पीछे मत भागो कि फुटबॉलर ही बताते जाओ तुम। क्या नया कक्कड़? वो हो गया नेमर जूनियर बता दिया उसने। ओ ओरी। ये सब राइट किया ये।
पी ऐसे बताओ जब आप प्रियंका चोपड़ा टाइप नेमर जूनियर बता रहे हो क्यूँ बता दिया उसने क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीकन प्लेयर है फेमस है आर राजेश खन्ना एस ठीक है सुनो अब टी सापू करेक्ट यू यू उर्मिला पूरा नाम बताओ उर्मिला कौन यूरी फुटबॉलर है वो भी चल यूके राइडर तो नहीं वो फेमस है तब भी अब बॉस में आ गया भाई यूके राइडर तो मनीषा नानी भी आई थी भी बॉस में थी पूरा नाम तुमने नहीं बताया था उनको अलग तुमने मनीषा बोला था जो नाम नानी है नहीं आगे का आगे है वी वी सेलिब्रिटी बन जाएगी वो तो नहीं फेमस तो है दोस्त भी है डब्लू एक्स वाई यास्मीन बोनो ये कौन है ये बहुत फेमस फुटबॉलर है अबे यार इससे फुटबॉलर ही का पूछूंगा मैं यास्मीन बोनो मैं नहीं मानूंगा चलो पता नहीं मैं जानता भी नहीं बहुत इंडिया में फेमस है नहीं कोई नहीं जानता है यूसुफ यूसुफ फतेह अली खान अरे वाह व्हाट अ नेम चलो तुम यूवाई से बताओ जल्दी बताओ कौन दिलीप कुमार के नाम से हाँ यूसुफ खान नाम है पूरा नाम बोलो ना जेड जिदाने जैन मलिक जिदाने कौन था फुटबॉलर था पूरा ईद को तो समझाने के कार है और जिदाने नहीं जिदान है उसका नाम चलो ठीक है डन हो गया अभी अल्फाबेटिकली पूछूंगा तुमसे शहरों के नाम The scores after two rounds was Uzaifa 20, Ruhama 16, Ilma 13. नहीं लगता ही था तुम्हारा तुम जावेद अख्तर इमरान हाशमी सब तुम अंदर थे फोन पे कॉल पे बात करके आएगी तब से